Uh, 2018 में ये जो चुनाव हुए बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं the reason for the loss was, uh, एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इंप्लीमेंटेशन अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप आप देखिए हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन काला धन और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी इसका कोई इंकार नहीं कर सकता उद्योगपतियों के घर से व्यापारियों के घर से बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें निकली थी, पड़ी मिलती थी ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी ये पैरल जो इकोनॉमी थी इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है दूसरा आज आप नई पीढ़ी से बात करो वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा करना पड़ा उस जमाने में शायद टैक्स रिजीम ऐसी थे अब हम ईमानदारी से करना चाहते एक ईमानदारी का माहौल बना है दूसरा आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बड़ी है इसको क्या कहेंगे इसकी सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है इसको हम अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे दूसरा हमारे देश में करेंसी जीडीपी की तुलना में कम होती जा रही है ये अपने आप में एक शुभ संकेत है अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में शायद चीजें चलाना मुश्किल हो जाता पर ऐसे झटका देने की जरूरत थी क्या बात है, बात है। ये झटका नहीं है जी एक साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा आपको मदद मिल जाएगी लेकिन पहले की सरकारों की तरफ उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है तो बहुत कम लोग आगे आए ठीक है अच्छी मात्रा में आए थे फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फायदा उठाइए पार्लियामेंट भी बिका था अगर हम इसका फायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियाँ ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे ये रातों रात नहीं हुआ है जी एक साल भर ये प्रक्रिया चली है बार बार कहा गया है उसके बाद ये करना पड़ा है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है अब कोई भी व्यवस्था बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है हम इसका बात का इनकार नहीं करते हैं इवन मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे वह फाइनेंस मिनिस्टर थे अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में आपको मालूम है जीडीपी कितना गिर गया था ग्रोथ कितना गिर गया था करीब करीब दो परसेंट के भी नीचे आ गया था क्योंकि एक बदलाव आया था तो बदलाव के कारण लेकिन बाद में बाद में स्थिति समझती चली गई आज हम भी हमारे जो ग्रोथ रेट था वो पूरी तरह पहुंच गए हैं लेकिन एक सफाई की जरूरत थी उसको हमने सफलतापूर्वक किया है और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की